आर्टिलरी के रेजिमेंट का वार्षिक गोलाबारी प्रदर्शन और प्रशिक्षण अभ्यास महाराष्ट्र के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी द्वारा आयोजित किया गया। इस सालाना अभ्यास में बंदूकें, मोर्टार, रॉकेट, ड्रोन की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। शानदार खबर जम्मू कश्मीर की राजौरी से निकल कर आ रही है। यहां बॉर्डर एरिया की रहने वाली 5 लड़कियों का कश्मीर प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। बेटियों की इस कामयाबी से घर वाले काफी खुश। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 110 लाख लीटर यूजीआर बूस्टर पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इससे पानी की सप्लाई दुरुस्त होगी। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस पंप से 1 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत शुरू किए गए स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप ने हैदराबाद में अपनी स्थापना बैठक को आयोजित किया। 2 दिवसीय इंसेप्शन मीटिंग को कई मशहूर उद्योगपतियों ने संबोधित किया और स्टार्टअप का मंत्र दिया। महाराष्ट्र में 56वां निरंकारी संत समागम रखा गया। औरंगाबाद में 300 एकड़ परिसर में संत समागम की शुरुआत हुई। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे और संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर शिंदे ने कहा कि जो सेवा करने वाले लोग हैं उनकी भावना देने की रहती है, लेने की नहीं। तस्वीरें कर्नाटक के मंगलुरु की हैं। यहां सालाना कोदियल थेरू फेस्टिवल के तहत रंगारंग ओकुली आयोजित किया गया। ओकुली में हजारों की संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। पानी की बौछार के बीच श्रद्धालु एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते नजर आए। तमिलनाडु के त्रिची में पारंपरिक खेल जलीकट्टू का आयोजन किया गया। जलीकट्टू को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। इस खेल को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। शानदार गाड़ियों की काफिला निकला कोलकाता में। कोलकाता में द स्टेट्समैन विंटेज और क्लासिक गाड़ियों की रैली आयोजित की गई। इसमें गुजरे जमाने की गाड़ियों का जलवा देखने को मिला। एक से एक शानदार गाड़ियों की नुमाइश लगी। यूपी के बांदा में पुलिस के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल दो पक्षों में मारपीट के दौरान एक महिला घायल हो गई थी। डायल 112 पर सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंच गई। रास्ता संकरा होने की वजह से वहां गाड़ी नहीं जा सकती थी। ऐसे में जवानों ने घायल महिला को चारपाई पर ही उठाकर इलाज के लिए ले गए।